अच्छा जी, प्रिंसिपल नंबर 8 है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन कंट्रीज प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मे बी मेजर्ड इन डिफरेंट वेज, बाय कंपेयरिंग पर्सनल इनकम और बाय कंपेयरिंग द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ नेशंस प्रोडक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की है, बाय कंपेयरिंग द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ नेशंस प्रोडक्शन। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमेशा आपके जीडीपी के ऊपर कर रहा होता है, या आपके कंट्री की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। जैसे जीडीपी जितनी प्रोडक्शन होगी चीज़ों की, तो उतना ही अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा उस कंट्री के लोगों का। जैसे जीडीपी अगर अमेरिका की देखी जाए तो हमारे से बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उसी हिसाब से जितनी प्रोडक्शन होती है और इन्फ्लेशन और चीज़ें सब चीज़ें मैनेज रहती हैं, तो जिस हिसाब से तो वहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी बेहतर होता है। तो मे बी मेजर इन डिफरेंट वेज बाय कंपेयरिंग पर्सनल इनकम। हमारी पर्सनल इनकम जो पाकिस्तान के अंदर है, उसको पीपीपी भी कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, एक पैरामीटर है जिसके थ्रू आप लोगों ने अगर इंटरनेट गूगल पर जाओ तो आप किसी भी इकोनॉमी के बारे में देखो तो जीडीपी के साथ उन्होंने पीपीपी का एक जिक्र किया हुआ है, परचेजिंग पावर पैरिटी। एक ये भी इंडिकेटर है, इसके अंदर यह है कि आप की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है किसी भी एक जगह पर रहने की, पाकिस्तान में जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, हमारे यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, यानी कि हमें ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है अपने खाने पीने की चीज़ों को, ज़्यादा महंगा है, महंगाई है वहाँ पे। तो अब परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो एक इंडिकेटर है, पर्सनल इनकम को मेजर करता है इन डॉलर टर्म्स। जैसे हम अपनी मेजर करते हैं जीडीपी, वो रुपये में करते हैं मेजर करते हैं, प्रोडक्शन जो है लोगों चीज़ों की वैल्यू देखते हैं, वो सारी जीडीपी जो है हमारा है वो हमारे रुपये में देखी जाती है। जबकि अब इंडिया में भी अब उनके अपनी करेंसी में की जाती है, जो भी करेंसी प्रेजेंट होती है किसी भी इकोनॉमी की, तो वहाँ पर उसी करेंसी के अंदर चीज़ों की वैल्यू और प्रोडक्शन देखी जाती है। तो पर्सनल इनकम को हम लोग कंपेयर करते हैं, हमें फिर एक सिंगल करेंसी में जो हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं डॉलर्स को, और जैसे अगर हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एक पाकिस्तान और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अमेरिका के कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो हम पीपीपी को पैरामीटर के थ्रू उसको करेंगे। पीपीपी के बारे में भी बात करेंगे, अब हम जीडीपी की बात करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे उसके बारे में। तो जो पीपीपी है आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी, वो आपका अंदाज़ा लगाती है कि अगर मेरे पास एक डॉलर है तो एक डॉलर की हो सकता है मैं अमेरिका के अंदर सिर्फ एक चाय का कप खरीद सकूं, लेकिन एक डॉलर की मैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मैं एक चाय का कप भी खरीद सकूंगी, मैं एक बिस्किट भी खरीद सकूंगी, मैं केक भी खरीद सकूंगी, मैंने तीन चीज़ें खरीद सकती हूँ, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। एक डॉलर के अंदर मुझे ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, चाय का कप भी मिल जाता है, एक दूसरी चीज़ें भी मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो जबकि अगर मैं अमेरिका में एक डॉलर की खरीदने जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे सिर्फ एक चाय का कप मिलता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ पे ज़्यादा हुई, अमेरिका में, और यह पाकिस्तान में कम हुई। बाय कंपेयरिंग द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ए नेशंस प्रोडक्शन, कि टोटल नेशन की जो प्रोडक्शन है उसको अंदाज़ा लगाते हुए कितनी है पर्सनल इनकम या लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, तो ये डिपेंड करता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में किसी का कोई अभी कोई क्वेश्चन हो। ठीक नो मैम, क्लियर। है, अच्छा, अब 9 प्रिंसिपल नंबर 8 ही को कंटिन्यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इज प्रोडक्टिविटी। जिस कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होंगी, और तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है ना, ये प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है। जितनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, ज़्यादा कंट्री के अंदर ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होंगी और यूटिलाइज हो रही होंगी, तो वो उतना ही अच्छा होगा, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही बेहतर होगा। तो प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द इक्विपमेंट, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू वर्कर्स, ठीक है, इक्विपमेंट, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू वर्कर्स। अब प्रिंसिपल नंबर 9 है।